खंडवा से है, जहां जिला अस्पताल में भर्ती एक मरीज पर देर रात 4 बदमाशों ने जानलेवा हमला कर दिया। रात करीब 2 बजे जिला अस्पताल में घुसकर सोहेल नाम के युवक को चाकुओं से गोदा गया। 2 दिन पहले भी सोहेल पर चाकू से हमला हुआ था, वह जिला अस्पताल में एडमिट था। सोहेल की हालत गंभीर है, उसे इंदौर रेफर किया। इधर सीसीटीवी के आधार पर मोघट थाना पुलिस ने चारों आरोपियों को राउंडअप कर लिया। घायल सोहेल सिंघाई तलाई का निवासी है। सोहेल के भाई ने बताया कि पूर्व में भी सोहेल पर चाकू से हमला हुआ था, जिसके बाद से वह जिला अस्पताल में भर्ती था। रात करीब 2 बजे हम सब अस्पताल में मरीज के पास सो रहे थे, अचानक 4 लोग आए, जिनमें शाहरुख, हथौड़ा, कल्लू, बबलू और कासिम ने मेरे भाई पर चाकू से हमला कर दिया। उसकी हालत नाजुक है, डॉक्टरों के कहने पर हम इंदौर लेकर जा रहे हैं। इधर पूरी घटना के बाद जिला अस्पताल की सुरक्षा व्यवस्था पर सवालिया निशान उठ रहे हैं। ऐसे अपराधियों के हौसले बुलंद होते जा रहे हैं। जिला अस्पताल में घुसकर मरीज पर चाकुओं से हमला किया गया। उल्लेखनीय है कि इंदौर में एक सरकारी अस्पताल के सिविल सर्जन को तत्काल हटा दिया गया, लेकिन खंडवा जिला अस्पताल में सिविल सर्जन के पद डॉक्टर ओपी जुगतावत को 15 साल हो गए हैं। अस्पताल का सिस्टम लापरवाही की भेंट चढ़ चुका है। थाना मोघट TI ईश्वर सिंह चौहान का कहना है कि दोनों पक्षों के विरुद्ध थाने में जान से मारने मारपीट संबंधी अपराध दर्ज है। जिला अस्पताल की घटना के बाद रात भर से हम लोग आरोपियों की तलाश कर रहे हैं। कुछ आरोपियों को राउंड अप कर लिया है, इन पर कड़ी कार्यवाही करेंगे। 2 दिन पहले की घटना थी, वारदात हुई थी, तो भाई को चाकू लगा था, तो हमने यहाँ एडमिट किया उसे जिला अस्पताल में। तो फिर कल नाइट में 1:30-2 बजे के लगभग समथिंग उसको कम से कम 3 से 4 जन आए थे, जिसमें एक कासिम था, शाहरुख हथौड़ा था और कल्लू था और एक बबलू जो कासिम का मामा है। 3-4 जन आए थे, तो कासिम अंदर आके जिला हॉस्पिटल में आके उसको 7-8 जगह घाव मारे, जान से मारने की धमकी दी। मैं 2 बजे रात में अस्पताल में सोया हुआ था, तो रात में चाकू लेके आया और मेरे ऊपर डायरेक्ट चाकू का हमला करा उन्होंने कासिम ने। कौन कौन थे ये? कासिम था, शाहरुख हथौड़ा था, कल्लू था, कल्लू और शाहरुख हथौड़ा बाहर थे। अच्छा, वो कासिम अकेला अंदर था, उन्होंने पप्पा के भी हाथ पे चाकू मारा है। पुरानी रंजिश आपकी क्या है? पुरानी रंजिश नहीं थी उससे।